दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी का टाइम तो अच्छा कट रहा है, लेकिन मलिष्का और नीलम की फिर से एंट्री हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि जहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इस समय बात की जाए, सभी लोग थोड़ा हैरान हैं, परेशान है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि लक्ष्मी और ऋषि को अलग अलग करने के लिए अब ब्रह्मास्त्र का उपयोग हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस समय मलिष्का बोलती हुई नजर आने वाली है नीलम से कि अगर आंटी मैं लक्ष्मी को इस दुनिया से ही हटा दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नीलम बोलती हुई नजर आने वाली है कि ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, हम तुम्हारे हर एक फैसले के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई मायनों में बेहद ज़्यादा खास और बेहद ज़्यादा अलग देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों सभी इस चीज़ को जानते हैं कि कब क्या कैसे और क्यों करना है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आने वाले एपिसोड में जहां ऋषि बोलता हुआ नजर आएगा कि लक्ष्मी कृपया करके मुझे तुम बताइए जरूर कि वाकई में जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है क्या तुम्हारे दिल में भी वैसा ही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मी ऋषि को हामी देती हुई नजर आएगी दोस्तों, जिसके बाद में ऋषि बोलेगा कि ठीक है, अगर घर वाले एग्री नहीं है तो मैं मंदिर में लक्ष्मी के साथ में सात फेरे लूँगा, और ये मेरा वादा है कि सात फेरे मैं किस तरीक़ा से लेकर और इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि समय कई और भी दिलचस्प ट्विस्ट आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी लोग बेहद ज़्यादा चिंतित भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये एक बेहद बड़ी रियलिटी है, बेहद बड़ा फैक्ट है, बेहद बड़ा सच भी है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में जल्दी ही एक और भी नया ट्विस्ट जन्म लेता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि कभी भी किसी के साथ में कोई भी हादसा घटित हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।